आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ तीन ऐसी आसान सी एक्सरसाइज जिसको आप फॉलो करके अपने लटके हुए पेट को अंदर कर सकते हैं, वो भी मात्र 15 दिन में। यस, बस आपने क्या करना है, दो चीजों को माइंड में अपने सेट कर लेना है। फर्स्ट है डाइट, क्योंकि 70% वर्क करती है डाइट और 30% करता है वर्कआउट। 70% डाइट का मतलब ये है कि आपने 7 बजे के बाद में कोई भी हैवी मील इंटेक नहीं करना। दाल ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, या आप नॉर्मल जो है वेजीज को हल्का सा कच्चा पक्का रखकर या उबाल कर खा सकते हैं, लेकिन रोटी चावल राजमा छोले ये सब चीजें आपने बिल्कुल भी इंटेक नहीं करनी, क्योंकि ये आपके शरीर में पचेगा ही नहीं, सड़ेगा, जो मोटापा और पेट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। टिप नंबर 2 ये है कि आपने खाने को अच्छे से चबाकर खाना है और रूटीन में ये वर्कआउट फॉलो करना है। इन बिटवीन आप शुगर इंटेक बिल्कुल भी 1 चम्मच से ज्यादा नहीं करेंगे, बाहर का तला भुना या घर का होगा वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, फ्राइड चीजें अवॉइड करेंगे, ठीक है। चलिए, ये मेरी गारंटी है 15 डेज बाद दोबारा से इस वीडियो में आना और कमेंट करके बताना कि आपके अंदर क्या क्या चेंज आए। ऑनेस्टी के साथ आपने प्लीज ये चीजें फॉलो करनी है जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, दोनों पैरों को ओपन कर लेना है। हद से ज्यादा इफेक्टिव है ये, प्लीज सारी एक्सरसाइज एग्जैक्टली जितना हो सकता है उतनी आपने अपनी लेग्स को ओपन करना है, ठीक है। सिर्फ 3 एक्सरसाइज है, जरूर फॉलो करें। ओपन कर लिया, आराम से बैठ जाए, बेड पे भी कर सकते हैं, बस आराम से अपने टोज को टच करना है, फिर अदर साइड, फिर अदर साइड। इसको हमने जितना हो सकता है फास्ट करना है। अब इसका बेनिफिट बता देती हूँ कि जब आप इस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो टोटली आपका लोअर बेली और अपर बेली बहुत अच्छे से एंगेज हो रहा है। बेसिकली आपका जो बॉडी है वो पूरा क्रंच हो रहा है लाइक दिस, तो इससे आपकी मसल्स एंगेज हो रही है और वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, राइट। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी साइड पे जो एक्स्ट्रा फैट है, ठीक है, लव हैंडल जिसे हम कहते हैं, वहां पे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 20 टाइम्स हम करेंगे और 2 सेट्स करेंगे। डे बाय डे इंक्रीज करने हैं हमने सेट्स। आज 20 कर रहे हैं, उसके बाद 80 करना है, 40, 80, 100 इस तरीके से इंक्रीज करना है। ओके, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है, लाई डाउन हो जाना है लाइक दिस। आपने अपनी 4 आर्म्स को मैट पे प्लेस करना है, अपर बॉडी को उस तरीके से अप करके रखना है। देन उसके बाद में आपकी लेग्स पहले 4 स्ट्रेट रहेंगी जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं। देन उसके बाद में आपने अपनी लेग्स को क्रॉस करना है, कैसे देख लीजिए, लाइक दिस। इसको हम करेंगे 20 टाइम्स। कोर को हमने यानी अपने कोर को एंगेज करना है, पेट को खींच के रखना है। रिलैक्स। 29 हम जब इसको परफॉर्म करेंगे तो हम 10 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे और उसके बाद में हम इसके जो सेट्स क्रिएट करेंगे वो करेंगे 3 सेट, ठीक है। प्रॉपर यही पोजीशन आपने फॉलो करनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं प्लैंक। प्लैंक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ओवरऑल बॉडी के लिए, तो है ही अच्छा, स्पेशली आपके कोर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। जब आपकी कोर मसल स्ट्रॉन्ग होती है तो वहां का फैट रिड्यूस होता है। जब हम प्लैंक पोजीशन में आते हैं तो ग्रेविटी का होल्ड होता है, ग्रेविटी मतलब यानी अर्थ जो है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, नीचे की तरफ पुल करेगी, लेकिन आपको अपनी बॉडी को स्टेबल करने का ट्राई करना है। आपकी बॉडी शिवर होगी, कांपेगी, पेन होगा, बट आपको हार नहीं मानी। एटलीस्ट आपने मिनिमम 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट और मैक्सिमम जितना आपने ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते रहना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
गाइस आई होप कि आपको मेरा ये वाला वर्कआउट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ऐसी कुछ नया देखना चाहते हैं तो मुझे अपना प्यार देते रहे, मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @ishra_mehra, और अगर आप मेरे पेज पर है तो पेज को फॉलो करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।